क्या बात है यड़ा, सुना है कि तू घर पे गया था और मेरे घर का खाना तुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मम्मी ने तेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर भेजा, वही लेके आया हूँ, दम बिरयानी। चल खा ले। मुझे नहीं खाना है, ले जा इसे। मैं खाना खाकर प्लेट में एक भी दाना छोड़ता हूँ तो मेरी माँ मुझ पर भड़कती है क्योंकि उसे पसंद नहीं, और तूने मेरी माँ का बनाया हुआ खाना मिट्टी में मिला दिया। ये बात उसे पता चले तो जानता है उसे कितना दुख होगा। उसकी खुशी के लिए अब तो तुझे खाना ही होगा। चल खा। ए, खाना याद आने की तकलीफ तूने क्यों नहीं रहे, अपनी बहन को भेज दिया होता। जब मैं बात करता हूं तो किसी और की जुबान नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच माँ बहनों को नहीं लाना चाहिए। अरे तू क्यों रुक गया, खाना। ए, बहुत शाना बनता रहा खजूर, तेरी तो भैंक। फील्डिंग करने वाले ऐसे बीच में आकर टच नहीं करते, ये होती है हम गुंडों के बीच की कमिटमेंट। बिरयानी का मजा तब है जब वो गर्मा गर्म खाई जाए। खाना ये डाल। बिना टेंशन के खा येड़ा। खाता हूँ ना, खाता हूँ, आप भड़को मत, मैं खाता हूँ, पूरा खत्म करता हूँ भाई। ए, कोई जल्दी नहीं है, पंगा होता है और उससे निपटा भी जाता है, लेकिन दुश्मन कहाँ है ये तूने उसकी फैमिली से पूछा? तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुन। फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगे तो वो केयरलेस रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहेंगे तो अलर्ट रहते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना उसको जाके बोल, मुझे टच करने के बारे में सोचा तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को टच करने का सोचा तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। सॉरी भाई। वोटर आईडी है क्या? वोटर आईडी है लो भाई। मिस किए बिना नूर अहमद को वोट डालने का? अपनी कसम हा? भाई पक्का डालूंगा। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के ड्रग माफिया आपके कस्टडी में कब तक रहेगा? सर सर वो रुके सर, कैसे है? देखिए तो मुझे नो कमेंट। देखिए आप बात जाने दो सर, अंदर नहीं जाना है। जहर का सौदागर ड्रग माफिया हुआ अरेस्ट। कर्नाटक राज्य में रेव पार्टियों में ड्रग का जहर फैलाने वाले ड्रग माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कर्नाटक पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। ड्रग माफिया सरगना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस
कल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ACP प्रताप सिन्हा के नेतृत्व में उनके दल ने बहुत ही चालाकी से उसे धर दबोचा। उसे गिरफ्तार करते समय हुई हाथापाई में उसे गंभीर रूप से चोट भी आई, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेंगलुरु के हर इलाके में छापा मारा जा रहा है। उसे होश आते ही पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसे पूछताछ करेगी और उसे पूरा रैकेट का पता लगाएगी, ऐसा ACP सिन्हा ने कहा। इस ड्रग के माफिया किंग को पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। स्कैनिंग रिपोर्ट आते हैं, मुझे इत्तला करना। हेलो डॉक्टर। हेलो सर। इस वक्त उसकी हालत कैसी है? He is still unconscious. Be careful. अपने स्टाफ से कहना उस पर नजर रखे, जो अंदर है वो एक दरिंदा है। हमारे डिपार्टमेंट के लिस्ट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस, उसके होश में आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। सुनो मंजुनाथ। यस सर। बी अलर्ट, मेरे परमिशन के बिना किसी को अंदर मत जाने देना। यस सर। पावरफुल आदमी हो, मीडिया का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जस्ट डोंट अलाउ। ओके सर। रेडी नाविया? ओके। यहाँ देखिए माँ जी, मुझे देखकर बात कीजिए, कैमरा को भूल जाइए। आपका नाम? दुर्गा। ये बताइए, आपका लड़का बचपन में कैसा था? उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा था? वो किस तरह से पला बड़ा? सब कुछ जानना है हमें। छोटी उम्र से ही उसने गलत राह चुनी। I'm really very sorry. आप अपने लड़के को ले जाइए और किसी दूसरे स्कूल में डालिए। सिस्टर प्लीज सिस्टर, उसे इस बार माफ कर दीजिए, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। किसी बच्चे को मारा होता तो बच्चों का झगड़ा समझकर मैं माफ कर देती। PT सर को मारा है उसने, हाउ डेयर ही। कॉन्वेंट के अच्छे स्कूल में उसे पढ़ा लिखा कर डिसिप्लिन के साथ उसे एक अच्छा इंसान बनाने का मैंने सपना देखा, सारे सपने टूट गए। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों में छोटा युवा, जब वो सिर्फ 5 साल का था, मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। वो कोर्ट में बेंच क्लर्क का काम किया करते थे। उनका काम आसानी से मिल गया क्योंकि मैं भी लॉ पढ़ चुकी हूँ। शुरुआत में कोर्ट में जब मैं काम करने लगी, तब कटघरे में खड़े होने वाले मुजरिमों को देखा और मुझे डर लगने लगा। मेरा बेटा उस कटघरे में कभी खड़ा ना हो, ये सोचकर उसे अच्छे से मैंने संस्कार दिए, वैसे जैसे कि बाकी के पेरेंट्स सोचते हैं। मैंने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखा। क्या गलत किया? कोर्ट में हर दिन मैंने अन्याय होते हुए देखा, तब मैंने फैसला किया, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक वीर बनेगा मेरा बेटा। और इसलिए उसे मैं देश पर शहीद होने वालों की कहानियां सुनाया करती थी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह की कुर्बानियों के बारे में उसे बताया करती थी।
3, 2, 1, कम बैक। स्लोली ओपन योर आईज, रिलैक्स नाउ। ग्रेट सोल, जानते हो पिछले जन्म में तुम भगत सिंह थे। गॉड, तुम्हें पता है तुम किसके सामने क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूं। घंटे भर में एक सिगरेट भी ना पियूं तो टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप मुझे घंटों लिटाकर पिछले जन्म में जाओ कहोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? बेफिजूल की बातें मत करो, तुम पिछले जन्म में जरूर गए थे। नहीं गया था गुरुजी, सच्चाई बताता हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह जैसा बनूं, यही उनका सपना था। बचपन में मुझे सोते वक्त वो इन्हीं की कहानियां सुनाती थीं। तो जब मैं यहाँ लेटा था तब मेरे दिमाग में उन्हीं की कहानी आई और मैंने वैसे ही कह दिया। डोंट फील बैड यार। ए, चल खड़ा हो जा, मेरा अगर जरा भी और दिमाग घुमा तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। कूल डाउन, मेरी पास्ट लाइफ को छोड़ो, आपकी पास्ट लाइफ को मैं लेके आया हूँ। सी या? You want to see? You? Oh my God! छी, ये क्या है गुरुजी? सफेद पोशाक में, काले कारनामे और मेंटेन भी क्या किया है आपने? फॉरेनर्स लड़कियों को अच्छी तरह चना खिला रहे हो? ये बताओ, चेक लोगे या कैश लोगे? है? एक ही सीन में आप सीधा सौदे पे आ गए? चेक बाउंस हो जाता है इसलिए मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। फुल कैश मिल जाएगा, लेकिन मुझे वीडियो फुटेज की हर एक कॉपी चाहिए। एक कॉपी भी तुम नहीं रखोगे? आप अपने धंधे में पक्के रहो ना रहो, मैं तो पूरा पक्का हूँ। एक स्नैप तक नहीं रखूंगा। मुझ तक जो पहुंचना है वो पहुंचने के बाद ये आप तक कंफर्म पहुंच जाएगा। वादा रहा गुरुजी, अब आप पास्ट लाइफ कंटिन्यू कीजिए निशाने के तौर पर। सेल्फी प्लीज। आपका लड़का कौन से कॉलेज में पढ़ता था? SCP कॉलेज, गुंडों के लिए, लोफरों के लिए एक नामचीन कॉलेज है। लाख मना किया मैंने, तब भी वो अड़ा रहा कि उसी कॉलेज में जाएगा। आखिर उसकी जिद की ही जीत हुई। डिग्री लेने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन ली और गुंडागर्दी में उसने डॉक्टरेट हासिल की। ये कौन है? लगता है कोई जूनियर है भाई। जूनियर होकर इतनी अकड़? ए, तूने मेरे लड़के को मारा क्यों? आज के बाद ये कॉलेज मेरा है कहा तो? उसने कहा नहीं, मेरे भाई का है। चल डिसाइड करते हैं, ये कहकर वो मुझे यहाँ लाया है। ए, मेंटल, हमारे कॉलेज में आकर हमारी फील्ड में खड़े होकर हमें ही वार्निंग दे रहा है। किसी भी फील्ड में किसी का भी नाम परमानेंट नहीं लिखा होता है। जो कोई भी सीना तान कर, जांग ठोक कर मर्द की तरह खड़ा रहता है, उसी की फील्ड और उसी का शील्ड होता है। तू इतना बड़ा खिलाड़ी है क्या? ऐसे घूर क्या रहा है बे? आंखें नीचे रख। गुंडों के लिस्ट में SCP कॉलेज के लड़के पढ़ा तुमने?
देखो हमारा कॉलेज कैसे बदनाम हुआ है। एजुकेशन में तो कमाल नहीं कर सका, तो यही कमाल कर दिखाया। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लाइम लाइट में रहना चाहिए। क्या कहते हो स्वामी जी? हाथ हटाओ। पहले से ही हमारा कॉलेज गुंडे मवालियों के नाम से बदनाम है, और उस पर तुमने अपना नाम भी छपा लिया। क्या कहा? मेरा नाम आया है? सिर्फ नाम ही नहीं, पेपर में तुम्हारा फोटो भी छपा है, देखो। ए, कौन हो तुम? किससे मिलना तुम्हें? ठीक है, एडिटर। ए, कौन हो तुम? कॉटन बाजार के लड़के खिलाड़ी कहते हैं, कसाई वाड़े के लड़के किंग कहते हैं, शिवाजी नगर के लड़के भाई कहते हैं, विश्वेश्वर नगर के लड़के बॉस कहते हैं, और तुम, तुम्हारा ये दो कौड़ी का पेपर जो कोई पढ़ता नहीं, मुझे किसी चिल्लर अंटर पंटरों के साथ जोड़कर गली के गुंडों के बीच खड़ा करता है। चलो बताओ मैंने छुरा क्यों घोंपा? पेपर में नाम लिखा है इसीलिए। लिखा इसलिए नहीं घोंपा, जहाँ लिखा वो जगह सही नहीं है इसलिए खोपा। इस बॉस के बारे में जब भी लिखने का तो फ्रंट पेज में लिखने का, वो भी बिग फोटो के साथ। एक लीटर दूध देना। दीदी नमस्ते। दीदी दूध चाहिए? हाँ अभी देता हूँ। एक लीटर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, रख लीजिए ना दीदी। नहीं नहीं, एक लीटर हमारे लिए बहुत है। हाय पापा बोलो। हाय पापा। हाय टिल्लो। क्या जीजू, दुबई जाने के बाद गाल बाल फूल कर टमाटर जैसे लाल हो गए? दीदी से दूर रहने की खुशी है क्या? ऐसी बात नहीं है प्यारे, आजकल नई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ। बल्कि जब मैं वहाँ पे रह के नौकरी कर रहा था तो तुम लोगों की इतनी याद आती थी कि मन करता था कि घर आ जाऊं। आ गई आ गई। तुम्हारी दीदी, बाय। अरे जीजा जी, जीजा जी, तुम्हारे पापा भी ना बेटा। क्या है पूर्वा? मैं दुकान में दूध लेने गई थी तो एक लीटर एक्स्ट्रा देकर बोल रहा है, मुफ्त का है, रहने दो दीदी। मैं भी सब्जी लेने जब बाजार गई थी तो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। जानती हो क्यों? ये देखो, इसकी वजह से। मैं इसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, सोचा था ब्रेकिंग न्यूज में आएगा। चलो यही सही, इसके बारे में तुम्हारे क्या कमेंट्स हैं? मैं क्या बताऊं दुर्गा, मेरी बात ही कुछ ऐसी है। मेरे चाहने वाले मुझे दूध पिलाते हैं, दूध से मेरा अभिषेक भी करते हैं, फिर ना कहने वाला मैं कौन होता हूं? अरे मम्मी, ये यहाँ रहा तो हम शांति से जी नहीं पाएंगे। मैं मेरे पति से बात करती हूँ, इसे दुबई भिजवा दो, उनकी वहाँ हेल्प करेगा। देख बेटा युवा, किसी को भी डरा धमका कर या किसी को लूट कर कमाए हुए गलत पैसों का सुख टिकता नहीं, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसों का सुख पूरी जिंदगी टिकता है। बेचारा बैल पता है कितनी जी जान से मेहनत करता है, आखिर में क्या मिलता है? उसका मालिक उसे कसाई की तरह हर दिन हलाल करता है, और सांड घूमता रहता है, इसलिए उसे नंदी बैल मानकर उसकी पूजा करते हैं। मेहनत करके कमाने वाले अगर सुख की जिंदगी जी रहे होते तो मार्केट में ठेला चलाने वाले भी 5-स्टार होटल में जाकर रहने की सोचते हैं। मेरी डेस्टिनी क्या है ये मैं स्कूल में डेस्क पर लिखकर पहले ही बता चुका हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे लिफ्ट होता हूँ ये आप देखिए। और स्कूल डेस्क पे उसने क्या लिखा हुआ था? बॉस। बॉस? बचपन से ही उसे बॉस बनने का जुनून था, हर किसी को डराने जैसा उसका एटीट्यूड था, वो उसे बहुत एंजॉय करता था। उसका एजुकेशन पूरा होने के बाद उसने अपने कॉलेज को ऐसा कंट्रोल किया जो कभी किसी ने नहीं किया। मुरली, ये कटआउट किसका है? हमारे कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है मैडम, लास्ट ईयर पास आउट होकर जो युवा गया ना, उसका खास चेला, ब्रूस ली नाम है इसका। ये ब्रूस ली का क्या मतलब है? कुंग फू कराटे का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसने अपना नाम ब्रूस ली रख लिया। बाप रे, एक हफ्ता और किया तो सिक्स पैक निकलेगा।
भाई इलेक्शन के लिए बॉडी बना रहे, इतना काफी है ना? इलेक्शन जीतने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है ब्रूस ली, ब्रेन। करेक्ट भाई। भाई जैसा आपने कहा था, मैं रोज एग व्हाइट खाता हूँ, बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है भाई। और जब मैं एग व्हाइट खाता हूँ तो मुंह से खून निकल आता है भाई। क्या कहा? एग व्हाइट खाता है तो मुंह से खून निकलता है? हाँ भाई। मुझे शक है इसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है भाई। ए ब्रूस ली। हाँ भाई। मंगा ले अंडा, चल खा, मैं भी देखता हूँ कैसे खून निकलता है। अबे एक ऊपर। जी भाई। एक वाइट मतलब छिलका नहीं, इसके अंदर का खा। भाई मैंने इसे कितनी बार कहा है कि दबा के मुर्गा खाया कर, पर ये चूजा मुर्गा ही नहीं बनता। चला बहुत टाइम पास के लिए। जिम कर। भाई इलेक्शन खत्म होने के बाद अपने जिम के लड़कों को दावत देंगे। इलेक्शन में तेरे ऑपोजिट में कैंडिडेट कौन है? कॉलेज में मेरा मुकाबला करने वाला कोई कैंडिडेट है ही नहीं, मैं जीतूंगा 100% गारंटी है। ब्रूस ली, एक साथ कई घोड़े दौड़े तो उस पर बैठने वाले को जॉकी कहते हैं, और अकेला रहा तो उसे जोकर कहते हैं। इलेक्शन में ऑपोजिट कैंडिडेट का होना जरूरी है, विरोधियों को हरा कर जो जीतता है वही वीर है। तू ही किसी और को तेरे खिलाफ खड़ा कर, वरना तू भी नहीं दिखेगा। ओके भाई। पर मॉडल है। वोट फॉर ये ले, इससे अपने बाप के लिए चड्डी और खुद के लिए शर्ट सिलवा ले। क्या इससे? तो क्या तुझे सफारी सूट सिलवा के दूं? ए आवाज लगाओ रे। वोट फॉर ब्रूस ली। गाइस साइलेंस। बॉयज तुम सबके वोट्स मुझे ही मिलने चाहिए। हमारा वोट तुम्हें ही मिलेगा। सो स्वीट। हवा किसकी चली रे? वोट फॉर। ए जानू, प्रीति, बटली, अश्विनी, तुम लोगों से पहले ही कह देता हूँ, तुम्हारा वोट मुझे मिलना चाहिए। तुम ही वोट देंगे तो हमें क्या फायदा होगा? इन लोगों में से कोई आंख न मारे मेरी जिम्मेदारी होगी। हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पेपर स्प्रे है। ए, तुम्हारे स्प्रे मारने तक वो खुशबू का इंतजार करेगा क्या? बेवकूफ नहीं की। ए चल रे। बॉयज लुक एट द बोर्ड। One vote is equal to 1,000. Vote for Bruce Lee. Vote for. Hey, रुको. सबको पहले warning दे देने दो. All of boys and girls, ये request मुझे नहीं आता. तुम लोगों का vote मुझे मिले, वरना पता है ना boss का गुस्सा. Hey, look at the board. Malage is giving how many notes for one vote? वाह, 1,000 रुपए. लगता है इसमें किसी ने एक जीरो बढ़ाया है. तुम में से किसी ने उस मैडम को वोट दिया तो कॉलेज के कैंपस में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा. ए शुरू हो जा रहे. वोट फॉर ब्रूस ली। 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 इलेक्शन जीतने के लिए खूबसूरती नहीं, कलेजा चाहिए। अगर इलेक्शन में जीतना है तो कलेजा नहीं, कैश चाहिए। ए, तेरे पास कैश होगा पर मेरे पास बॉस है। ए नारा लगा रे। वोट फॉर वोट फॉर। हाय हाय, पासपोर्ट साइज फोटो में कितना सुंदर लग रहा हूँ तू, और ये कितनी भद्दी लग रही है। ये बटन दबाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। यस। ए भाई लोग वोट मुझे देना। लव यू गाइस, थैंक यू। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। हे यू बी ग्रेट सो मच। हे कम हियर। मुझे वोट दिया ना। थैंक यू सो मच।
आप कहाँ पे हो भाई? गाड़ी तैयार कर रहा हूँ मेरे जनाजे को ले जाने के लिए। अबे थू, क्यों, क्या हुआ? अंदर जितने लोग भी गए मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी एक वोट मेरे नाम पे भी डाला होगा। हार गया ना तो मैं जहर पी लूंगा भाई। दूसरी वक्त बदल सकता है, लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन जो मेरा नाम लेकर कॉलर टाइट रखता है उसकी जीत कभी हार में नहीं बदल सकती। रिजल्ट आने में जरा टाइम है, तू शांत रह। ठीक है। ए, मुझे ही वोट देना यार। कौन है तू? मैं हूँ ब्रूस ली, क्रमांक नंबर एक। ठीक है ठीक है। ब्रूस ली, मेरा वोट तो तेरा ही है। बटन दबा कर, रिजल्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा। मेरी जान माफी। मुझे तो लगता है कि वही जीत जाएगी। ऑल इज वेल। ब्रूस ली, बू, लूजर। मेरे मना करने के बाद ही बॉस ने मुझे खड़ा किया। पहले ही बदसूरत था और मुंह पे खाली पोती। मैं अब कॉलेज में सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा? सब्र कर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आई एम गोना विन 100%। एसीपी कॉलेज के यूनियन प्रेसिडेंट के चुनाव में ब्रूस ली को आप सब ने मिलकर 2000 वोट दिए। ओह गॉड, हाउ कुड ही? कुमारी मल्लिगे को सिर्फ एक वोट मिला है जो कि शायद उन्होंने ही दिया होगा। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। तो इस साल हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है ब्रूस ली। मल्लिगे घर जाओ वरना। मल्लिगे ये कैसे हो गया? चल पागल। ए, रो मत भाई। भाई भाई मैं जीत गया भाई। शांत रहे भाई, मैं जीत गया। भाई समझ में नहीं आ रहा ये मैजिक कैसे हुआ। ये मैजिक नहीं है ब्रूस ली, ये लॉजिक है। ऑपोजिशन पार्टी ने पैसे देकर वोट की डील की और मैंने वोटिंग मशीन की ही डील कर दी, इसलिए जो वोट उसे मिलने थे वो तुझे मिल गए और जो तुझे मिले वो उसे मिल गए। मतलब मुझे इनमें से किसी ने वोट नहीं दिया? लेकिन अब हालात बदल गए, देख तुझे कितने लोग चाहने लगे हैं। ए, बजाओ रे। कौन है वो जरा पूछ, पूछ ना। सुन बच्चे, किसके लिए नाच रहे हो? हमारा भाई है, एसीपी कॉलेज का यूनियन प्रेसिडेंट है भाई। 2000 वोट से जीता है, जूस पियोगे क्या? बताओ ना। नहीं शुक्रिया। जूस पियोगे क्या? नहीं रहने दो। जूस पियोगे क्या? अरे जाओ। भाई एसीपी कॉलेज का नया लीडर है। नहीं भाई, भगवान के लिए मेरी बात मानो। इन पॉलिटिशियंस के कमीनेपन के बारे में तुम्हें नहीं पता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अपना मतलब निकलने के लिए हाथ मिलाते हैं, मतलब निकलने के बाद हाथ तोड़ देते हैं। उससे अच्छा है भाई कॉलेज में हर महीना एक फंक्शन करवा के 4 पैसा कमाएंगे, रॉयल लाइफ जिएंगे। अच्छा बता, गाँव कौन सा है तेरा? ए, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम जानते तो हो बुद्ध गाँव। बुद्ध गाँव के गवर्नमेंट स्कूल में गांधी जयंती के दिन बूंदी बनाने वाले तुझ जैसे बेवकूफ को आज बेंगलुरु के एसीपी कॉलेज में यूथ प्रेसिडेंट बनाकर यहाँ बिठा दिया। फिर भी तेरी सोच गांधी जयंती के दिन बूंदी बनाने वाले जैसी है। 2000 वोट से मैंने तुझे इसलिए नहीं जिताया कि नाच गाकर 4 छुट्टे पैसे तू कमा सकता अकल के अंधे। मेरे जैसा बन, थिंक बिग ईट बिग। मारना है तो डायनासोर को मार, छिपकली को नहीं, समझा?
अबा हमारे दोस्त आए हैं, अच्छी बिरयानी बनाओ। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम अम्मी जान। अब मुझे भी भाईजान कहाँ हैं? भाईजान ऊपर हैं। ऊपर हैं? हाँ चलो ऊपर चलते हैं। आइए आइए संभल कर। सलामुअलैकुम। सलाम। आप लोग जरा बाहर जाओ। अच्छा भाई। भाई मैं उन्हें लेकर आया हूँ। बैठ जाओ। लॉरी में जीते हुए लीडर की तरह हार पहन कर तो तुम खड़े थे ना? हार पहन के मैं खड़ा था, पहनाने वाले मेरे बॉस हैं। तुम्हारा नाम क्या है? युवा। अच्छा है, काफी यूथफुल है। और तुम्हारा नाम? ब्रूस ली। अच्छा नहीं लगा क्या? तो क्या लोगे, कॉफी टी? कॉफी टी पीने के लिए मैं यहाँ कोई आंगनवाड़ी की टीचर्स मीटिंग में नहीं आया हूँ। स्कॉच। स्कॉच मंगवाओ। चीयर्स। चीयर्स। तुम इस तरह हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? ब्रूस ली तुम भी पैक बनाओ ना। भाई मैं भी थोड़ा सा लूं क्या? नहीं। ये लड़का पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो हो जाने दो, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाकर किसी का मर्डर कर देगा ना, घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना बचाने के लिए। मर्डर यहाँ करेगा या बाहर जाकर करेगा ये मैं नहीं बता सकता, पिला के देख लीजिए। अरे रहने दो भाई, बेकार कर इस काय को, इलेक्शन बहुत नजदीक है, सीधा मैटर पे आ जाओ। 5 साल पहले मैं राजनीति की उंगली पकड़कर मैदान में उतरा, कितने लोगों ने काम को सराहकर मुझे गुलाब दिए, सेंट्रल से उनका काम निकाला तो मुझे लोगों ने सिर पर भी बिठाया, लेकिन टिकट की बात आई तो किसी पार्टी वाले ने साथ नहीं दिया। इसीलिए साइकिल के निशानी लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर खड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो। साइकिल चलवानी है या धक्का मरवाना है? क्या मतलब? साइकिल को धकेलने का मतलब पीछे रखकर सपोर्ट करेंगे, साइकिल चलाने का मतलब सामने रखकर उसे लीड करेंगे। हमारे भाई को साइकिल चलाकर जीत तक पहुंचाने वाला सारथी चाहिए। फ्रंट में कृष्ण की तरह सारथी बनने के लिए मेरा बॉस रेडी है, पीछे हनुमान की तरह खड़ा रहने के लिए मैं रेडी हूँ, सेंटर में अर्जुन की तरह बिल उठाने के लिए तुम्हारा भाई रेडी है। किस चीज का बिल? देखो नूर अहमद, आप भी अच्छे से जानते हो आजकल पब्लिक किसी को फ्री में वोट तो डालती है नहीं, हर एक वोट के लिए नोट लगती है, बोतल लगती है, सिलाई की मशीन लगती है, साथ में पेट भर खाना खिलाना पड़ता है, उसके लिए बेहिसाब रुपया लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हमारे भाई को वोट देते हैं तो पूरे गांव को बिरयानी खिला देंगे। सिर्फ बिरयानी से गरीब लोग अपना वोट नहीं भेजते, पेट भर बिरयानी खा के इस तरह बम छोड़कर निकल जाते हैं। देखो मुझे जीतना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नूर अहमद नाम ही काफी है, बाकी पब्लिक आपके लिए मैं जमा कर लूंगा, आपसे हाथ मिला लिया तो आपकी नैया भी पार लगा दूंगा, यहाँ की हर गली से जो साउंड उठेगा वो सीधा दिल्ली तक पहुँचेगा। ओके लगे तो हाथ मिलाओ। मुझे मंजूर है। अरे चलो चलो साइकिल पे चढ़ो। एक आदर शुरू कर। नूर अहमद भाई की। नूर अहमद भाई की। मुंबई जाने से पहले वोट देकर जाना। नमस्ते। हाँ बिठाओ बिठाओ आराम से कुर्सी पे बिठाओ। हाँ भाई ठंडा तो इसके हाथ में ले लो भाई। गीता बहन जी की स्वर्गीय पति नूर अहमद भाई की। क्या बोला? भाई 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 समझ गया गीता बहन की भाई नूर अहमद जी की। नमस्ते नेताजी। ये लीजिए वैक्यूम क्लीनर, अब झुककर झाड़ू मारने के बजाय डांस करते हुए झाड़ू मारिए, इससे सब साफ हो जाएगा। ये ऑन कैसे होता है? बेचारी को ये भी नहीं मालूम। लाओ इधर दो, लाओ इधर दो, इसे पकड़ो, अंदर ले आके प्लग लगा के स्विच ऑन करो। हाँ
एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया हाँ। फिर इस बटन को दबाओ और ऐसे 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 कचरा इकट्ठा करो। अरे जनरली पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसने अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल किया। भगवान मुझे बड़ा होते हुए देखकर जो जलते हैं उन्हें पाइल्स की बीमारी देकर और जला। ए पंडित जी, एक दो नींबू और उतारो ताकि हमारे बॉस की गाड़ी को किसी अंधे की नजर भी ना लग सके। आ? सिर्फ गाड़ी पर क्यों, अपने गले में भी बांध लो। ज्यादा ही बोल रहा है भाई, टपका दूं क्या भाई? अपना ढक्कन बंद कर और गाड़ी निकाल। भाई देखो, तुम्हारी मम्मी और खड़ूस बहन दोनों आई हैं। मम्मी तुलसी ले लो, तुलसी के साथ एक पूजा की थाली भी ले लो। सुनो दुर्गा माँ, आजकल मैं भी मंदिर आने लगा हूँ। बहन माँ को घर ड्रॉप करूंगा तो और पुण्य कमाऊंगा। एसी कार में बैठने का मौका मत छोड़ो, बाद में बहुत पछताओगे। दिन रात मेहनत करके अगर ये कार ली होती तो तुम्हारे साथ हम दोनों बेझिझक आ जाती। शॉर्टकट से पैसे कमाकर मंदिर में आकर ना शान बढ़ेगी ना ही इज्जत। ये लो, मंदिर में भगवान को देखने के लिए भी शॉर्टकट है, स्पेशल एंट्री। मम्मी तुम दीवार पर क्यों सर पटक रही हो? चलो, पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी। पता नहीं क्यों मम्मी और दीदी को तुमसे इतनी नफरत है। ब्रूसली, ये मिडिल क्लास में जो लड़कियां पैदा होती है ना, इन्हें स्वाभिमान कुछ ज्यादा ही होता है। हर किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, किसी के भी आगे हम अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है। हमने किसके सामने हाथ फैलाया भाई? कोई देता है तभी तो लेते हैं ना भाई। ये लो गाड़ी की चाबी, पूजा हो गई। भाई इस खुशी में आइलैंड की तरफ लॉन्ग ड्राइव में जाए क्या? आइलैंड की तरफ लॉन्ग ड्राइव, वो भी तेरे साथ? नहीं तो क्या कंगना करीना कटरीना के साथ जाओगे? जन्म में बुद्धि भ्रष्ट ही रहेगी इसकी। चोचुइट, ये तो प्यारी सी परी लगती है बे। प्यारी सी परी? वो पिशाचिनी तुम्हें प्यारी सी परी कैसे लग सकती है? भूत, पिशाचिनी, चुड़ैल, चाहे उस पर कुछ भी वास रहने दे, आज से वही मेरे दिल की धड़कन है। ब्रूसली, आज तुझे तेरी भाभी मिल गई है। एरिया के सारे लड़कों को बंगाली मिठाई बांट दे। We'll be right back.
भाई भाभी के हाथ में देखो कितना बड़ा ग्लास है। अब मैं बैठकर लोग पानी भी पिएंगे ना तो लोग उसे वोडका ही समझते हैं। जा जाके देख क्या वोडका है या पानी है। मैं उस पर भूत का वास है। ठीक है जाकर देख कर आता हूँ। इन लोगों का दर्जी ही आधा कपड़े खा जाता होगा। भाई यू आर राइट, वो पी रही स्प्राइट। भाभी सिंगल ही है, यू कैरी ऑन। ए निशा बहुत हो गया, कम ऑन लेट्स गो। भाई लगता है भाभी का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। The music was awesome. This is your car, right? Yeah, of course. So, where are you taking me? Let's go for a long drive. Okay. Hey, क्या हुआ? देखो गाड़ी कहाँ खड़ी है। पीपल के पेड़ के नीचे क्यों? रात का जो वक्त है। कार खराब हुई होगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, लेकिन इतना नहीं कि जान चली जाए। ए, मैं जाके देख के आता हूँ। भाई तुम मत जाओ प्लीज, तुम मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। क्या हुआ? अरे बोल, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोल तो क्या हुआ? ओम श्री अंजनीय मह वायुपुत्र धीमह तन्नो हनुमते प्रचोदयात। ओम धूम दुर्गाय नमः। ओम ए इडियट, ए थू, सीधा खड़ा रहना। पंडित जी ये कभी फौज से नहीं डरा, टैंक से नहीं डरा, लेकिन हवा के एक झोंके से डर गया। भूत इसकी समस्या है। अरे मां, अरे मां। इसकी एक और समस्या है, कैसी भी आत्मा हो मैं उसे निकाल दूंगा। निकालिए निकालिए। ध्यान से सुन, जा राउंड मार के आ। इसका? इसका राउंड नहीं, टेंपल रन। गीता अनीता सुनीता, सबके कान बंद है। भगवान मेरी रक्षा करना प्रभु, भूतों को देखता हूँ तो जाने क्या हो जाता है। ये पास में जो लड़की खड़ी है बहुत प्यारी लग रही है, प्लीज मेरे लिए पटा दे। पंडित जी आपसे मेरी क्या दुश्मनी जो आप मुझे मारना चाहते हैं? मंदिर के पीछे पिशाचनी और आप मुझे राउंड मारने के लिए बोल रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? क्या हुआ बताना। भाई पीछे वो ड्रैकुलरनी है। कौन? निशा? अरे वहाँ मत जाओ भाई वरना खून पी जाएगी। ये पकड़ो अपनी तावीज, मेरा पैसा निकालो। मुझे देखकर तुम्हारा फ्रेंड यहाँ से डरकर भाग गया, तुम्हें डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? मुझे देखकर तो यहाँ अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। अफसोस मैं किसी से डर जाऊँ ऐसा कोई सीन ही नहीं है। जहाँ भी जाते हो तो मुझे फॉलो करते हो, आखिर बात क्या है? सीरियस हो क्या? हाँ यूँ ही समझ लो सीरियस है। तुम पब में जाकर पानी पीती हो, मंदिर में आकर उठक बैठक करती हो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर हो जाए तो पक्का डील करूँगा। मेरे बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वन नाइट डेटिंग करनी होगी। Are you ready?
खाना कैसा है? This is my taste. This is my taste. Rebel attitude. I love guys with attitude. मुझे लड़कों के साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है. ऐसा क्यों? स्कूल किड्स की तरह हाथ बांध लिया? मेरा हाथ मेरे ही कंट्रोल में रहेगा तो बहुत अच्छा है, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी. कूल वेदर, हॉट गर्ल, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? करेक्ट, इस टाइम पर हमें खाना खाना चाहिए. फीलिंग हंग्री. डैशबोर्ड में चॉकलेट पड़ी है, खा लो. और मुझे मुझे ना एक केजी के बच्चे को स्कूल से घर ड्रॉप करी हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है. बी फ्री बेबी, हम दोनों डेटिंग पर आए हैं. Say something. तुम पिशाचनी कैसे बनी बताओ? इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है क्या? Say something romantic, baby. Romantic? I am very poor in romance, but rich in intelligence. किसी भी तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछो, टक 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 जवाब मिल जाएगा. डेटिंग का मतलब IQ चेक करने के लिए IAS का इंटरव्यू नहीं होता. एक दूसरे का टेस्ट समझने का पल है ये. इट शुड बी नाउ रोमांटिक वे बेबी. डोंट वरी, आई विल टीच यू. बेबी, इतना शरीफ लड़का है क्या? सिर्फ शरीफ ही नहीं, नाइस जेंटलमैन है. मानता हूँ कि आजकल की लड़कियाँ डेवलप हुई है, लेकिन इस लेवल तक? हाँ, गलत है. ए ब्रूसली, बोलो भाई. सच बता, मैंने आज तक कितनी लड़कियों को छुआ होगा? इस मैटर में आप तो क्लीन एंड क्लियर हो भाई. जरा हाथ लो भाई, हाथ लो, हाथ लो. मैंने आज तक बहुत लड़कों को आजमाया है. जस्ट टच करने की देरी होती है, डायरेक्ट क्लाइमेक्स पर पहुंचना चाहते हैं. लेकिन ये अलग है,
उसे कई बार प्रवोक किया, उसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी, फिर भी फिंगर तक टच नहीं किया उसने। भाई भाई वो विस्की है भाई, उसे तुम हाथ क्यों धो रहे हो? उसकी बॉडी को छूने का पाप इस हाथ को लग गया ना, इसलिए। तो मुझे बात कर रहे हो तो मुझे लगता है अपने हाथ एसिड से धोने चाहिए। एट लास्ट तुम्हें तुम्हारा मनपसंद लड़का मिल ही गया, लेकिन इसके लिए तुमने अपने मम्मी पापा से भूत पकड़ने की एक्टिंग करवाई। रियली यू आर क्रेजी यार। That I am. अगर मैं वैसा नहीं करती तो साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ शादी करके बोरिंग लाइफ बितानी पड़ती। तब लव मैरिज का मेरा बचपन का सपना फुलफिल नहीं हो पाता। I am so happy today. Yes. उस बेचारे का टेस्ट लेके तूने तो उसे कंफर्म कर लिया, पर वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच रहा होगा तो तुम्हारी असलियत जान के वो मान जाएगा? No chance. आज के बाद मैं किसी लड़की पर विश्वास नहीं करूंगा, लव भी नहीं करूंगा। Bruce Lee, मेरा फर्स्ट लव ही लास्ट लव बन गया। Bruce Lee, चीता पे लेटा हूँ भाई, पिशाचनी से कब तक बचूंगा? बदल के रख दूंगा, तुम सबकी जिंदगी को बदल के रख दूंगा, बदल दूंगा, तुम सबका लाइफस्टाइल ही बदल दूंगा, तुम सबका एक एक वोट तुम सबकी किस्मत को बदल कर रख देगा। जाकर बोल बदल कर रख दूंगा, बहुत हो गया, वरना मैं ही पार्टी बदल दूंगा। लास्ट दिन है, बड़बड़ कर लेने दो भाई। और ये बदलाव तुम सब लोगों के अच्छे के लिए होगा। गरीब होकर पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मरना सबसे बड़ा गुनाह है। ये किसने बोला था रे? बिल गेट्स। बिल गेट्स, बिल गेट्स से कही थी ये बात। गरीबी को हटाना ही हमारा सबसे पहला काम है। आप सबका भाई इधर देखो, कार में जाना, साइकिल में जाना, मेट्रो ट्रेन में जाना, हमारे गांव में। ये यहाँ पर क्यों आई है? पैकेट लेकर तुम उस दिन भाग आए थे ना भाई, वापस लेने आई होगी। साइकिल हमारी निशानी है। हाय। सोचा था मेरे भाग जाने पर उसे पता चल गया होगा कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ, लेकिन लगता नहीं उसे समझ में आया। आज तो उसका भूत पूरी तरह छुड़ा ही। आप सभी जानते हैं कि बदलाव आपकी उंगली की नोक पर है। अगर आप लोग बदलाव चाहते हैं तो अपनी उंगली की नोक से साइकिल के बटन को दबा दीजिए, तब आप सब लोगों की जिंदगी बिरयानी की तरह गम 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 करके महकेगी। तो बोलिए, नूर अहमद भाई की साइकिल की निशानी की, नूर अहमद भाई की साइकिल की निशानी की। अब सब कुछ क्लियर है ना बेबी? आई स्वेर जो भी कहा सब सच है। तुम जैसे एक लड़के को पाने के लिए मुझे इतना ड्रामा करना पड़ा। गॉड इज ग्रेट। जैसा लड़का मैं चाहती थी मुझे मिल ही गया। आई लव यू बेबी। परसों पब से निकलने के बाद तुम्हारे साथ जो ड्राइव पर गया था वो बेबी कौन था? वो क्या, वो एक इडियट था। मुझसे ट्रू लव करता है कह के मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, इसलिए उसकी ट्रू लव को टेस्ट करने के लिए हम उस रात लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। उसका ट्रू लव क्या है ये थोड़ी दूर जाने पर ही समझ में आ गया था मुझे। As usual, मैंने पिशाचनी का रूप धारण किया और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद तुम्हारा फ्रेंड आया और मेरा ये रूप देखकर भाग गया। This is what happened that night. मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो बेबी, सब कुछ क्लियर करके मेरे साथ प्यार का डील करो। आई जस्ट कांट वेट एनी मोर। कल हम फिर मिलेंगे, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। आई लव यू बेबी। तुझे पीने की इजाजत किसने दी? अरे पीने दो ना। और उसके युवा तुम चुप रहो, बेचारे ने पूरे दिन कितनी मेहनत की है। तुम पियो Bruce Lee, एक पैक और बनाओ। अच्छा भाई, तुम तो उसका भूत निकालने गए थे और उसके साथ बैठकर आइसक्रीम खा के वापस आ गए। मैं जाते समय एकदम कड़क और गुस्से में गया था, पर वेदर ने सपोर्ट नहीं किया। जब वो मेरे सामने आकर बैठी तो मैं साइलेंट हो गया। Bruce Lee, उसके चेहरे में एक मैजिक है यार।
वो मैजिक नहीं है भाई, लव में होने वाला लॉजिक है। ये लव नाम का मैटर हार्ट में जब इंटर होता है तो बड़े बड़े फंटे सरेंडर हो जाते हैं। तुम लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो? परसों जो फील्ड में आके तुम्हें हाथ दिखा रही थी, हाँ वही लड़की है क्या? नूरा भाई, कूलिंग ग्लास लगाकर जो मुंह में आया वो भाषण करते हुए सोचा था लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन आपकी नजर तो सभी जगह पर थी। वैसे तुम्हारे लव मैटर की डील अगर सेटल करनी है तो बोलो तो तुम्हारे लिए लड़की भी उठवा सकते हैं। उठाकर लाने का कोई सीन ही नहीं है, मेरे भाई को वहाँ करने की देरी है, वो खुद उठकर यहाँ आ जाएगी। इतना डीप लव है। ब्रूसली, तुमने कभी किसी लड़के से प्यार किया? आज तक कोई लड़की मेरे चक्कर में फंसी ही नहीं, सब मसाज करके ही भाग गई। ब्रूसली, एक बार मैं ये इलेक्शन जीत जाऊँ तुम्हें बैंकॉक भेजूंगा, वहाँ हर तरह के मसाज होती है, जो चाहे करवा लेना। ये बुढ़े चुप कर रहे, तू दल्ला है क्या? बदल दूंगा, बदल दूंगा कह रहा था ना, क्या बदलेगा? मेरा अंडरवियर बदलेगा क्या? पहले खुद का अंडरवियर बदलना सीखो, उसमें से बदबू आ रही है। चुप कर बे, कितना बोलता है? गन नीचे रख, तू मेरे आदमी को मेरे सामने गन दिखा रहा है, चलाना सिखाऊं क्या? नीचे रख। ए, रुक जा। ए, ए, सॉरी, रख रहे सॉरी। नीचे पता ना आप उनका भाई कौन है? यू डोंट सी डिस्कवरी चैनल? ये बब्बर से रहा, हाँ शिकार कर लेंगे। तू बैठ जा, बैठ बैठ जा, वरना लग जाएगी। इस पागल कुत्ते के साथ मत लड़, तू एक लफा दूंगा तुझे। ए, बैठ जाओ रे, भड़क जाता है। क्या बोला रे तू? मैं पागल कुत्ता? कुत्ता पागल कुत्ता नहीं, पोमेरियन बोल, पोमेरियन। पोमेरियन, पोमेरियन, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। डर गया। अरे ओ सांबा, बोल कितने आदमी थे? बोल। दो दो आदमी थे, चार। ए, लालू के गरीब रथ में तुम दोनों ही जाओगे हमको छोड़ के। अब देखो यूपी का कम। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बैठ बैठ बैठ, अंदर जाओ अंदर जाओ। फैंस फैंस पटाखे चला रहे हैं भाई, पटाखा साउंड लग रहा है इसे। अरे बेवकूफ, ये बंदूक है, बंदूक। रोसले भाई, अब साइलेंट होकर बैठ जा। ओके भाई। मेरी गर्लफ्रेंड, आपको कैसी लगी? जोड़ी जमेगी ना? लास्ट आइसक्रीम है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मुझसे मिलने आते हो, आइसक्रीम खाते हो और चले जाते हो, लवर समझ के नहीं, एज अ फ्रेंड। एक बार तुम भी तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा वो छोड़ो, एटलीस्ट एक दिन ही सही, बिल तो पे कर दो। अच्छा वो भी छोड़ो, तुम मेरी बात को लेकर क्लियर हुए कि नहीं? उधर क्या देख रहे हो? आज डिसाइड करना ही होगा युवा, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम्हें क्लैरिफाई करते करते मैं अनक्लियर हो गई हूँ, प्लीज आज तो कम से कम क्लियरली बोल दो, डू यू रियली लव मी?
बहुत सारे लड़कों को ना एक प्रॉब्लम होती है, उनको ना लव हुआ है, क्रश हुआ है या फिर अट्रैक्शन हुआ है, ये समझने से पहले ही लड़की से कमिटमेंट कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो लव नहीं बल्कि क्रश था। इसलिए डियर, हम दोनों कमिट होने से पहले बात क्लियर कर लेते हैं। चाहे ऐसी कितनी भी आइसक्रीम बर्बाद हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद नहीं होने देंगे। तुमने डेटिंग पर बुलाकर क्लियर कर लिया और मैं ईटिंग से क्लियर कर लूंगा, ये गलत है क्या? तुम्हें कभी क्लैरिटी मिलेगी या नहीं? मिलेगी जानू, जिस दिन तुम मुझे लास्ट आइसक्रीम खिलाओगी उस दिन मेरा दिल आइस की तरह पिघल जाएगा। कन्फर्म होगा कि ये क्रश नहीं था, वही था। वही था, वही था। आई कांट वेट, प्लीज से यू लव मी। रोजाना मुझे बुलाकर आइसक्रीम खिला के अपनी जुबान टेढ़ी करके से आई लव यू, से आई लव यू कहोगी तो मैं कैसे कहूंगा? आई लव यू बेबी। अरे कंट्रोल, अरे कंट्रोल। ए, कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हो? मम्मी, मम्मी। कौन हो भाई तुम? खाना अच्छा था, बहुत मजा आया। कौन हो तुम? बिना किसी जान पहचान के मैं तुम्हारे घर में घुस आया और तुम्हारा खाना खाया। तुम्हें अजीब लग रहा है ना? ऐसे ही तुम्हारा लड़का हमारे एरिया में घुस आया है और होशियारी दिखाकर और फूट डालकर हमारे वोट खा रहा है। वो झोपड़े में रहने वाले को डिश एंटीना और जिन्हें ABCD भी नहीं आती उन्हें कंप्यूटर दे रहा है। जिसका पति मर गया है उसकी विधवा को सिलाई मशीन और अपाहिजों को व्हील चेयर। वादों की तो उसने झड़ी लगा दी है एरिया में। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है उसने पब्लिक सपोर्ट पाने का, लेकिन वो जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अगर उसने ये नौटंकी बंद नहीं की तो हाथ पैर तोड़कर उसी के व्हील चेयर पर बिठा देंगे। थैंक्स। सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों कहा। फर्स्ट टाइम किसी इंसान के मुंह से मेरे बेटे के बारे में अच्छा सुन रही हूँ। किसी पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर सोच रही थी गलत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इतने अच्छे काम भी कर रहा है, तुमने आकर बताया। तुम यहाँ आए, मुझे धमकी दी कि मैं उसे नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो। ए! अपने बेटे को बता देना एड़ा एड़ा शंकर आया था यहाँ पर, उसने अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर मिले। ए, चल। युवा तू कहाँ है? क्या बात है येड़ा, सुनाया कि तू घर पे गया था और मेरे घर का खाना तुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मम्मी ने तेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर भेजा, वही लेके आया हूँ, दम बिरयानी। चल खा ले। मुझे नहीं खाना है, ले जा इसे।
मैं खाना खाकर प्लेट में एक भी दाना छोड़ता हूँ तो मेरी माँ मुझ पर भड़कती है क्योंकि उसे पसंद नहीं, और तूने मेरी माँ का बनाया हुआ खाना मिट्टी में मिला दिया। ये बात उसे पता चले तो जानता है उसे कितना दुख होगा। उसकी खुशी के लिए अब तो तुझे खाना ही होगा, चल खा। ए, खाना याद आने की तकलीफ तूने क्यों नहीं रहे, अपनी बहन को भेज दिया होता। जब मैं बात करता हूं तो किसी और की जुबान नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच माँ बहनों को नहीं लाना चाहिए। अरे तू क्यों रुक गया, खाना। ए, बहुत शाना बनता रहा खजूर, तेरी तो भेंग। फील्डिंग करने वाले ऐसे बीच में आकर टच नहीं करते, ये होती है हम गुंडों के बीच की कमिटमेंट। बिरयानी का मजा तब है जब वो गर्मा गर्म खाई जाए, खाना ही अड़ा। बिना टेंशन के खा येड़ा। खाता हूँ ना, खाता हूँ, आप भड़को मत, मैं खाता हूँ, पूरा खत्म करता हूँ भाई। कोई जल्दी नहीं है, पंगा होता है और उससे निपटा भी जाता है, लेकिन दुश्मन कहाँ है ये तूने उसकी फैमिली से पूछा? तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुन। फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगे तो वो केयरलेस रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहेंगे तो अलर्ट रहते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना उसको जाके बोल, मुझे टच करने के बारे में सोचा तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को टच करने का सोचा तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। सॉरी भाई। वोटर आईडी है क्या? वोटर आईडी है ना भाई। मिस किए बिना नूर अहमद को वोट डालने का? अपनी कसम भाई, पक्का डालूंगा। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के पास वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गया था ना, फिर नूर अहमद को जिताने के लिए इतना जुनून, आखिर क्यों? पावर, रॉन्ग रूट में जाने वाले को अगर पावर मिल जाए तो सब उसके कंट्रोल में रहता है। वो नूर अहमद कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो चुका था। अगर नूर अहमद जीतता है तो युवा उन्हें मैनिपुलेट करता और अपने आगे कोई ना टिक सके, ये थी उसकी सोच। रियली आपका लड़का बहुत शातिर है। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की रहमत है। Thank you.
Hey, don't shoot. I'll shoot her. I'll shoot her. गोली मत चलाओ, वरना वो मारी जाएगी. ये क्या है? सर, इज अनकॉन्शियस. hey, आखिर तुम हो कौन और इसे बेहोश कैसे किया? हाथ से. मेरी हीरोइन पर कोई नजर डाला तो मैं उसे नहीं छोड़ता. इसने तो सीधे इस पर बंदूक तान दी. इसे पकड़ने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कब से ट्राई कर रहा था, पर आज हाथ आया. सर, वी डिड इट सर. थैंक यू सर, गुड जॉब. ऑफिसर्स, इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो. कम ऑन जी सर, क्विक, कम ऑन. उसने कोई बड़ा काम नहीं किया. छोटी सी बात को लेकर मीडिया वालों को यूज कर रहा है. झूठी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है. आप लोगों को बुलाया है तो आपको भी कैसे यूज करेगा, ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में है जो कोई नहीं समझ पाता. मीडिया का फर्ज है गलत कामों को उजागर करना, सेलिब्रिटी बनाना नहीं. भगवान के लिए मेरे बेटे को सेलिब्रिटी मत बनाओ, वो उस लायक नहीं है. What a wonderful speech, Mother India. सब कुछ बाहर निकाल दिया, अब ठंडक मिली ना, हैप्पी. उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारी तो शार्प होती जा रही है. अरे ओ रिपोर्टर, मैंने एक ड्रग माफिया क्रिमिनल को बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय मेरे बारे में निगेटिव कहने वाली मेरी माँ का तुम इंटरव्यू ले रही हो. TRP बढ़ाने वाला एपिसोड मिल गया ना. ये कहाँ का इंसाफ है. चलो चलो, बाहर चलकर एक स्पेशल सेट लगाकर मेरा स्पेशल इंटरव्यू लो. चलो. सुनो प्रीतम, कैमरा को पैक करो. ओके मैम. ए, बैठ जा. क्यों मैडम, मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी क्या? जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया है वो तुम्हारी लाइफस्टाइल है. सिर्फ वॉइस तुम्हारी मम्मी की है. टेलीकास्ट कब है बता दूंगी, खुशी से देख लेना. पैकअप करो प्रीतम. माँ जी, हम लोग चलते हैं. थैंक्स. जाओ जाओ, कर्नाटक में न्यूज चैनल्स की कमी है क्या? तुम नहीं तो कोई और से ही जाओ. क्यों है ना मम्मी. अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहो. किसी भी सूरत में उसके हाथ में मोबाइल नहीं लगना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है. मैंने पहले ही कहा था बहुत जोरों से बारिश होगी, पूरा शहर डूब जाएगा. देखो अब सुना. तूने चैनल क्यों चेंज किया? जब सुनामी आएगी तो कौन सी पूजा करनी चाहिए, ये गुरुजी बता रहे थे ना, और तूने चैनल चेंज कर दिया. दादी, हम लोग यहाँ बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है. चिल मारो दादी.
रास्ते से भटका हुआ बेटा, ये प्रोग्राम आज शाम को जरूर देखिए हमारे चैनल। लो दादी, आपका चैनल लगा दिया, आराम से देखो। उसे दूध चढ़ाओ तब जाकर आप। बोलो जानू। आज शाम को तुम्हारा टीवी पर प्रोग्राम आने वाला है और मैंने प्रॉमिस किया है कि ये प्रोग्राम मैं अपने सारे घर वालों को दिखाऊंगी। जब टीवी ऑन किया तो तुम्हारे नेगेटिव इमेज के एपिसोड का प्रोमो आ रहा था। अरे वो लोग नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं तो दिखाने दो ना, अंदर से मैं क्या हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, शाम को ये प्रोग्राम बदलना चाहिए, समझे? ब्रूस ली, दर्शकों, सही रास्ते पे चलने वाला बेटा नाम के इस प्रोग्राम में आप दर्शकों का स्वागत है, सुस्वागत है। हमारे साथ कौन है क्या आप जानते हैं? कर्नाटक स्टेट में सेंसेशन क्रिएट करने वाले हॉट सीट पर बैठे हुए कड़क बॉडी वाले हैंडसम गाय मिस्टर युवा। मिस्टर युवा, हर तरफ है आप ही की हवा। एक ड्रग माफिया डॉन को अपने जान पर खेलकर पुलिस के हवाले किया है, इतनी हिम्मत दिखाने का जज्बा आपके अंदर कैसे आया? Once upon a time when I was in Vatara, एक बंदा था जो अपनी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन वो डेली क्वार्टर पीकर सबको टॉर्चर करता था। ये मैटर उनकी डॉटर ने आकर मुझे बताया तो मेरा गुस्सा राइज हो गया और वहीं पड़ा हीटर मैंने उठाकर उसे खींच के मार दिया। उस दिन से उसने क्वार्टर पीना ही छोड़ दिया, तभी से मुझे पता चला कि मेरी क्षमता क्या है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मिस्टर युवा, आपकी क्षमता के बारे में एक शख्स है जो कुछ बताना चाहते हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। चलो देखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी नाक में आज भी रॉड है। रियली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव, बट वेरी डिसेंट एंड वेरी इनोसेंट बॉय। यस, एब्सोल्युटली राइट, आई एम बिग फैन ऑफ यू मिस्टर युवा। ओके, बेचारे हमारे पीटी मास्टर, उनकी नाक में रॉड आपकी वजह से लगा ये हमें पता चल गया। व्हाट अ हेल्पिंग नेचर यू हैव सर। ये सब बताने वाली बात नहीं है, मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। व्हाट अ मदर, व्हाट अ सन। मैं कहता हूँ दुनिया का हर बेटा आपके जैसा होना चाहिए। आप एक हाथ से जो करते हैं आपके दूसरे हाथ को पता न चले, लेकिन हमारे कैमरे ने सब देख लिया। मिस्टर युवा, आपने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं उसे हमने अपने कैमरे से छुपकर शूट कर लिया है। Is it? I swear. What are you saying? You see the video. ए बुढ़ी, कहाँ जा रही है? चलो यहाँ से, bloody fool. तुम्हें अच्छी संस्कारी बहू मिले बेटा। Thank you दादी माँ, thank you. अरे ये सब किस लिए? Please please, आप चुप रहिए, हमें ऑडियंस को दिखाने दीजिए। Please युवा, please. ये क्या हो गया? मेरे होते हुए एक डेड बॉडी का ये हाल? अरे मैं भी आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे आप तो पब्लिक हीरो हैं मिस्टर युवा। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सर आप देखा नहीं, क्या पब्लिक भी देखेगी, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या चीज है। ये लो तुम्हारा पर डे। ओनली दिस मच, बाकी का क्या? ए, शूटिंग में तुझे कन्विंस देते हैं, मैंने तो पूरा पेमेंट दिया, ज्यादा मच मच करेगी तो वो भी छीन लूंगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। और भाई मेरा क्या? तेरा कितना? सिर्फ 500। पकड़ आपस में बांट ले। मिस्टर युवा, यू आर रियली यूथ आइकन, यूथ आइकन। अच्छा, आपके अंदर इतने सारे अच्छे गुण होने के बाद भी आप सिंगल हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम जैसे सोशल वर्कर्स को आखिर लड़की कौन देगा बताओ? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। तमिलनाडु के लोगों को पीने का पानी कर्नाटक देता है, आंध्रा के लोगों को फिल्म रिलीज करने के लिए हम थिएटर देते हैं, केरला वालों को जूस सेंटर खोलने के लिए हम लोग जगह देते हैं, नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन कंपनी जॉब देती है, ईरानी लोगों को रहने के लिए हम लोग किराए पर घर देते हैं। तो क्या मिलजुल कर रहने वाले हमारे देशवासी आपको लड़की नहीं दे सकते? कौन देगा आपकी लड़की, कौन देगा लड़की, कौन देगा लड़की? मैं अपनी पोती दूंगी। तुमने वेरी गुड सिलेक्शन, सोच रहे थे कि ये ऐसा हीरा ढूंढ निकालेगी। मैंने पेन ड्राइव लगाई थी, ये किसी को नहीं पता चला। जैसे तुम्हें सिखाती हो तुम वैसे ही बोलना। हाँ अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
किसी तरह की प्रॉपर्टी मिले तो छोड़ना मत, पूरा इलाका अपना ही है। क्या बात है, माँ बेटी मिलकर मेरे शिष्य को कृष्णा क्यों बना रही हैं? आज स्कूल में फैंसी ड्रेस का इवेंट है। ये लो, कृष्णा का गेटअप देकर हाथ में बांसुरी देने की बजाय रावण या हिरण्यकश्यपु का गेटअप देकर हाथ में गदा देकर मर्द की तरह भेजते तो कितना अच्छा लगता है ना बेटा। घर में एक ही रावण बहुत है, दूसरा नहीं चाहिए। नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे। अर्जुना, यहाँ कोई किसी को हीरो नहीं बनाता, हमें खुद हीरो बनना पड़ता है। चलो थाली। अर्जुना, बी कूल, डू एज यू लाइक। अर्जुना, 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 तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्जुना, चिंता चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के कृष्ण कंपटीशन में कौन फर्स्ट आया है ये सब जानते हैं। द विनर इज लोचन। लोचन, लोचन, वेयर आर यू? मम्मी वो कहाँ है, मैं देखकर आती हूँ। जाकर देख। सेकंड प्राइज गोज टू पुनीत। लोचन कहाँ है? लोचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम गया होगा। वो टीचर भी ढूंढ रही थी उसे। कहीं नहीं, लोचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी तू एक काम कर, तू हर जगह ढूंढ, मैं जाकर माइक पर अनाउंस कर। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी। आ जा। लोचन, वेयर आर यू? प्लीज कम ऑन द डायस, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, कम फास्ट। लोचन, 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 साल का एक छोटा बच्चा है, कृष्णा के कॉस्ट्यूम में है वो। सारे पुलिस स्टेशन को मैसेज कर दो। कंप्लेंट हम कर चुके हैं। हाँ मैडम। दादी, माँ, लोचन, 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 बाबू, बताना तू किसके साथ चला गया था? मेरा अच्छा बेटा, ये लास्ट है। हाँ बच्चे को किसने लाकर यहाँ छोड़ा, तुमने देखा क्या पूर्वी? नहीं, किसी ने गाड़ी में लाकर यहाँ छोड़ दिया। राजा,
तुम्हें जो ले गया था अगर उससे मैं तुम्हें मिलवाऊं तो तुम उसे पहचान लोगे? यहाँ आलोचन, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी। और कौन लेकर गया होगा? जरूर तेरा कोई पुराना दुश्मन है जो तुझसे अपना बदला लेना चाहता होगा। मुझे वही जानना है वो कौन था जो मेरे परिवार पर हाथ डालेगा। उसके हाथ पैर, भगवान के लिए तेरी ये मारपीट इस घर के बाहर ही रखा कर। तेरी इस हरकतों से परेशान हो गई हूँ, अब माफ कर दे हमें। उधर देखो युवा, तुम्हारी माँ हमेशा तवे पर क्यों बैठी रहती है? अरे अरे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे। अरे क्या रे, अरे अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे अरे मुझे, माँ जी माँ जी, प्रसाद खाएंगे आप? ए, तुझे इसके सिवा और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर इसके साथ क्यों भटकता रहता है? डरा धमका कर चेला बनाया है? ऐसी बात नहीं है। ये बता, वो अपनी कमाई से तुझे कुछ देता है कि नहीं? देता है ना माँ जी, पता है मैंने भी एक कार बुक किया है। लगता है बेटे को गुस्सा अपनी माँ से ही मिला है। ये देखो, नाचोगे बेटा? नाचो नाचो। आंटी, अगर आप हाँ कह दें तो मैं अपने मम्मी पापा से कहकर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर देती हूँ। तुझे क्या हो गया है बेटा? लगता है उसने जादू टोना किया है तुझ पर। इस जनरेशन की लड़कियाँ कितने प्रैक्टिकल होकर सोच समझकर डिसीजन लेती है, लेकिन तू उस नालायक की संगत में पड़ी है। उसने तुझे क्या पिलाया है? हा? मेरे पास 2-4 घर है, मेरे 5-6 बिल्डिंग्स है, 20 एकड़ जमीन है, ऐसा ही कुछ बताया होगा? हा? नहीं आंटी, अपना बस एक ही घर है, उस पर भी लोन है, 3-4 प्लॉट है पर उस पर भी केस चल रहा है, 5 एकड़ जमीन है वो भी लीज में डूबी हुई है, ये सब बताया है। देखा तुमने मम्मी, सच बोलकर प्यार जीत रहा है। अरे वो तो अलग ट्रैक है, अपना दुख तकलीफ बताकर, लड़कियों की सिंपति पाकर, प्यार में लूटने वाले लोग एक नहीं 1000 मिलेंगे। अरे ऐसे केसेस कोर्ट में बहुत आते हैं। आपका लड़का उस कैटेगरी का नहीं है। आप कैसी माँ है, अपनी ही बेटी के बारे में नेगेटिव बोल रही हैं। आप उसकी माँ है इसलिए सब सुन के ले रही हूँ। मैं एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ और आप ब्रेकअप की बात कर रही हैं। आप कुछ भी कह लो, मैं उसी से शादी करूंगी। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। देखा पूर्वा, इसको तो पूरे अपने जाल में फंसा लिया है। पुराना खिलाड़ी है ना भाई, पर इसे अकल नहीं है क्या? तू यहाँ से निकल, मैं बस चढ़ावा चढ़ा कर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ। बहुत लेट हो गया, कहाँ है तुम्हारी माँ? अब तक तो मम्मी को आ जाना चाहिए था, पर तू यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। ब्रूस ली, जरा इनका ख्याल रख। ने मुंह दबाकर घसीट कर लाया और यहाँ अंदर डाल दिया मुझे। ठीक है, बाद में बोलता हूँ। अंदर आ जाओ, सर ने बुलाया। नमस्ते साहब। आइए जनाब, बैठिए। कैसे आना हुआ? सर, कोई मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है सर, पुलिस सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। सिक्योरिटी देने के लिए तुम कोई वीआईपी हो क्या? वीआईपी से बढ़कर हूँ मैं, पब्लिक। वीआईपी होते हैं पब्लिक की सर्विस करने के लिए। मुझे पता नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो कितने लोगों का इंतजाम करना है? स्टेप को भेजू क्या?
सर देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी फैमिली को खतरा है, ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है। पुलिस की ऐसी बिहेवियर की वजह से पब्लिक भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आती। सुभान को लगाम दे, तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं। परसों टीवी में देखा तेरी असलियत क्या है, तेरी माँ की बातें सुनी। गली का एक गुंडा है तू, और तू हमें बिहेवियर सिखाएगा? तेरे जैसे गुंडे के लिए नहीं बैठे हम लोग। चल निकल यहाँ से, आउट, गेट आउट। ब्लडी फेलो। करेक्ट कहा सर आपने, मुझे क्या जरूरत है सर सिक्योरिटी की? किसी की धमकी देने पर या ब्लैकमेलिंग करने पर पुलिस की मदद लेने वाला बंदा नहीं हूं मैं। फैमिली मैटर समझ के फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा डर गया और आपके पास आ गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई सर। सर आप सबको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसी रूम में आराम से रहिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी मैं खुद देख लूंगा। हेलो निशा, पप्पू घर जिंदा लौटा, तेरी माँ सेफ मिली, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर तू मेरी बात नहीं माना तो तेरी गर्लफ्रेंड को उड़ा दूंगा। ए, मुझे क्या करना होगा बता? हॉस्पिटल से हमारे बॉस को तुझे बाहर लाना होगा, उसके बाद कहाँ जाना है वो बाद में गाइड करूँगा। तेरा काम इजीली हो जाए इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड के बैग में गन रखी है। सुन, ज्यादा दिमाग मत चलाना, हमारे आदमी तुझ पर नजर रखे हुए है, आज ही काम होना चाहिए। हमारे बॉस को सेफली बाहर निकाल, वरना अंजाम तू जानता है। वैसे एक बात बता दूं भाई, तेरी गर्लफ्रेंड हॉट है। कोई इमरजेंसी केस है, चेक करने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत, आराम से करो, आओ चलो चलो। क्या हुआ सर? इस हॉस्पिटल में एक ड्रग माफिया क्रिमिनल का ट्रीटमेंट चल रहा है। किस वार्ड में रखा है उसे? सर थर्ड फ्लोर में सर, आईसीयू वार्ड में रखा गया है, अंदर कोई नहीं जा सकता, पुलिस का बंदोबस्त है। वैसे आप कौन है सर? मीडिया। क्या हुआ है? हमारे गांव के लड़के की तबीयत बहुत खराब थी तो उसे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर ने कहा था 2 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि उस लड़के की डेथ हो गई है। जब तक हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाएंगे वो हमें बॉडी नहीं देंगे। उल्टे सुलटे चेकअप करके लंबी चौड़ी बिल बनाए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे गाँव के एक लड़के के साथ ना इंसाफी हुई है और तुम लोग चुपचाप खड़े हो? मुँह की बोली इन लोगों को समझ में नहीं आती। बॉडी कैसे नहीं देंगे?
सर नीचे बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, आप जल्दी आइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। क्या दंगा फसाद हो गया है, आईसी में जो ड्यूटी पर है वो अलर्ट रहे, बी केयरफुल। ए हैंड्स अप, कोई होशियारी मत करना। अलर्ट, वो बच कर ना निकल पाए। पहले उन लोग को बोल के मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़े। ए, 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 इसकी गर्लफ्रेंड को उठाया है, दे दे इसे वापस। ए, उसे छोड़ने के लिए बोल। ए, 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 छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दे। होश में है ये, होश में है साला। ए, क्या बोलते हैं तेरे स्टंट्स को, मार्शल आर्ट्स? लिफ्ट में मुझे ऐसा मारा, दो दिन तक मैं फ्लैट अनकॉन्शियस। मार्शल आर्ट्स कुछ नहीं है, मुझ पे हाथ उठाता है। भाई तुम्हारे गिरेबान में हाथ क्या डाला, कर्नाटक के हर एक न्यूज चैनल पे छा गया है, डॉन बनना चाहता है।
क्यों बच्चे? ए, तू डॉन बनने की कोशिश कर रहा है? डॉन बनना है तुझे? हाँ? गली गली में गोटी खेलने वाला, कौड़ी कौड़ी के लिए चिन्नी चोरी करने वाला अगर डॉन बना तो मुझे तो बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। हाँ? मेरे जैसा बनना इसे। क्या भाई बात करते हो, उड़ा दो। चल पीछे। ये साला मुझे हॉस्पिटल से मुर्गी की तरह उठा कर लेकर आया, मुर्गी की तरह। इसे इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। मुझे छूने के जुर्म में आखिरी दम तक पुलिस से भागते तड़पते तड़पते मरना होगा इसे। ए, तू जरूर डॉन बनेगा। डॉन बनाऊंगा तुझे। आज से पूरे कर्नाटक वालों के लिए तू ही है ड्रग माफिया डॉन। मशहूर कर दूंगा तुझे। डॉन बनेगा। चलो। ड्रग माफिया डॉन एस्केप। बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो ड्रग माफिया क्रिमिनल बॉस पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। उसे वहाँ से फरार करवाने वाला एक मामूली सा गली का गुंडा युवा है। युवा ने उसे कैसे फरार किया ये आप अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। हमें हमारे संवाददाताओं से ये पता चला है कि युवा ड्रग माफिया डॉन का सबसे करीबी पार्टनर है। अपने कॉलेज के जमाने में सबका लीडर बनकर ये कॉलेज में ड्रग सप्लाई करवाता था। वहीं से उसने तरक्की की और आज बहुत बड़ा ड्रग माफिया डॉन बनकर उभरा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने युवा की तलाश पूरे राज्य में शुरू कर दी है। The mafia don boss who was under police custody was treated in a hospital in Bangalore before his escape. The man who helped forces escape is Kathrigupe Rowdy Sheeter, Yuva. This escape act was caught on the CCTV camera of the hospital. According to our sources, Yuva was a don of drug mafia in Karnataka. हमारे न्यूज चैनल के जरिए आप लोग देख रहे हैं ड्रग माफिया डॉन युवा का घर। उसके घर के सामने बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है। सभी लोग उसकी माँ से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए हम भी उसकी माँ से कुछ सवाल पूछते हैं। बताइए मैडम, आपका बेटा ड्रग माफिया में कब से इन्वॉल्व है? Many students are addicted to drugs because of your son. What's your opinion, ma'am? आप न्यायालय में काम करती है, आपका बेटा मुजरिम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो सिर्फ ड्रग माफिया है या लोगों से हफ्ता भी वसूल करता है? और कौन कौन से गलत धंधे हैं उसके? इस बारे में आप कुछ जानती हैं या जानकर भी चुप हैं? जवाब दीजिए मैडम। आप खामोश नहीं रह सकती। जवाब दीजिए। मैं जवाब चाहिए मैडम। एनकाउंटर करवा दो। एक देशद्रोही को जीने का कोई हक नहीं। सरकार और पुलिस से मेरी ये दरख्वास्त है, उसका एनकाउंटर कर दो। मम्मी, क्या कहा? एनकाउंटर कर दे तेरे लड़के को। अरे तुझे अपने देश पर इतना प्यार अचानक कहां से आ गया? क्यों नाटक कर रही है तू? तुझे तो पहले से पता था ना कि तेरा बेटा गुंडा है, तो आज तक खामोश क्यों रही? वैसे गुंडे को पहले ही जहर देकर मार देना चाहिए था तुझे। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मीडिया के सामने ये शान से कह रही है कि उसका एनकाउंटर कर दो, नाटक कर रही है ये। तू क्या समझेगी इस बूढ़े के दर्द को? मेरे इस कलेजे में ज्वालामुखी की तरह दर्द की आग भड़क रही है। मेरा इकलौता बेटा था, उसे बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से पाला था मैंने, इंजीनियर बनाया था। आखिर में उसने क्या किया पता है? नशे की लत का शिकार होकर सुसाइड कर लिया उसने। तेरे बेटे ने जिसको बचाया उसकी वजह से कितनों की जाने गई, और न जाने और कितने बच्चों की उसके ड्रग्स की वजह से जान जाएगी। मेरा तो एक ही सहारा था, वो चला गया। आज ये बूढ़ा तुमसे पूछ रहा है, उसको तूने क्यों बचाया? बताओ।
मेरा बस चले तो ऐसे गुंडे को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करने वाली माओ को पहले इनकाउंटर करना चाहिए। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है क्या उसमें? किसी ने कॉफिन का ऑर्डर किया था। इधर मरने वाला कोई नहीं है, सब मारने वाले हैं। चल निकल। बड़ा आया। मजाक मत कर, बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आया तू? कर्नाटक से। ए, कोई गोवा से कर्नाटका में कॉफिन ऑर्डर क्यों करेगा भाई? लगता है दिमाग खराब है इसका। गलत कर रहा है भाई, दिमाग भी सही है और जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह भी परफेक्ट है। ऑर्डर देने वाले का नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको नाम भूल गया यार। ए, तेरी हाइट कितनी है? यार, मेरी हाइट पूछता है? नाम क्या है तेरा? रफीक। वो नहीं है। मैं भी देखता हूँ तू कैसे यहाँ से निकलता है। जो हमारे पैर पर गिरा था वो जिंदा हम तक कैसे पहुंच गया यही सोच रहा है? हार्ड वर्क प्यारे, तेरे भाई ने एकदम सही कहा था। उस कमीने ने मुझे क्या से क्या बना दिया। उस दिन तुम लोगों का टाइम अच्छा था, वही मुझे खत्म कर देते तो मैटर क्लोज हो जाता। आज मेरा टाइम चल रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल। क्या कितने लोग आए थे यहाँ? सिर्फ एक आदमी था। वो सिर्फ एक आदमी था और तुम लोग कमाल है। कैसे आया वो? कॉफिन लेके उधर से आया। फिर? पहले मैंने अटैक किया बॉस। फिर? इसे मारते ही इमीडिएटली मैंने अटैक किया बॉस। फिर? मैंने गन निकाला फिर भी। मैं इधर से आया। ए, 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 तू इधर से आया, वो उधर से आया, अटैक किया और सबको मारकर मेरे भाई को उठा कर लेकर गया, यही ना? यही ना? वो थोड़ा पागल है बॉस। अच्छा,
खाली हाथ आकर तुम सबका हाथ पैर तोड़कर भाई को उठा कर लेकर गया, उसे तो पागल कह रहा है। पागल नहीं, योद्धा, योद्धा है वो। हो, हो, कम, आई नीड टू टॉक टू यू, डोंट बी स्केयर्ड, सिट डाउन, गुड गुड। यू मस्ट हैव हर्ड हिम। What did he say to my brother? I don't know. Huh? He spoke some foreign language. He told him about some hard work. Oh, how many years are you in this business? 2 years. Hmm. 2 years. Good. How many languages do you know, baby? I speak 4 languages. Hmm? English, Korean, Chinese, and French. एक दिन में 5 फिरंगियों की मसाज तो करती होगी, हा? और कह रही है 4 से ज्यादा लैंग्वेज नहीं जानती। यू हैव टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। यू हैव इंटरनेट ऑन योर मोबाइल, राइट? यू फर्स्ट गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड हिंदी ऐप। फर्स्ट लर्न हिंदी लैंग्वेज, देन शो योर फेस। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो सबको उड़ा दूंगा। बॉस, आई एम नॉट गेटिंग 3G नेटवर्क, बॉस। अरे तेरी तो 4G के जमाने में 3G नेटवर्क ढूंढ रही है। पहले मेरे भाई को ढूंढ, चल निकल। There is no water. What is it doing? Hey, हमें किडनैप करके यहाँ लाकर तू नारियल पानी पी रहा है। क्या चाहिए तुझे? तुम्हारा भाई चाहिए। तुम्हारे भाई के साथ आंख मिचोली खेलने के लिए ही तुम लोगों को मैं यहाँ लाया हूँ। घुटने तक ही गाड़ के रखा हुआ आप कहो तो इनको पूरा का पूरा रेत में ही गाड़ दूँ क्या भाई? ये सब मिस इंडिया मॉडल्स हैं। पहले इनके गले में मौत का हार डाल, फिर डेमो देखेंगे। ओके भाई। ये डेमो के लिए, ये गोरिल्ला के लिए, ये दड़ियल के लिए, ये गोरिया के लिए। ए, ये क्या है? It looks like Big Boss Mike. ए टकले, ज्यादा मत बोल वरना चिथड़े उड़ जाएंगे। What? Look that side. Ooh. Ready भाई? Your attention please. My dear drug dealers, आपके बांधे हुए हाथ पैर खोल दिए जाएंगे। फ्री होते ही फरार होने की कोशिश मत करना वरना लाइफ से भी फ्री हो सकते। Not understand? No. Look there. Super boy. Injury pitch पर है मिस्टर यामराज दास। Boss, what about coke? Tomorrow we are going to arrange rail party. We need coke. My brother is missing, my partners are missing. मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। Don't give any reasons. You have to fulfill our losses. हुकुम करते ही हाजिर करने के लिए मैं सुपरस्टार रजनीकांत नहीं हूँ। नुकसान की बात करता है साला। Should I pay your losses? Huh? मेरा जो नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा? बॉस, आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। खोल इसे। बॉस, लैपटॉप है। लैपटॉप कनेक्ट कर। ओके बॉस। डैनी, ए, ए, कौन है तू? सामने आ। Hey! How dare you touch my brother? सिर्फ टचिंग ही नहीं, रोपिंग। Hey, उड़ा दूंगा तुझे। Hey, चिल्ला मत, जरा आराम से बात कर। तू नॉर्मल बात करता है तो भी डॉल्बी का इफेक्ट लगता है, चिल्लाएगा तो स्पीकर फट जाएगा, फिर जिंदगी भर गूंगा बनकर रहना पड़ेगा। Hey, लगता है मुझे टच करने का अंजाम तू भूल चुका है। तुझे टच करने वालों का क्या होता है ये तो मैं जान चुका हूँ।
लेकिन मुझे टच करने वालों का क्या होता है ये तो शायद अब तक नहीं जानता। स्नूकर और गोल्फ खेलने वालों को टच करे तो इजीली एस्केप किया जा सकता है। गोटी भौरा या गिल्ली डंडा खेल के बड़े हुए मुझ जैसे लोकल लड़के को कोई टच करेगा तो कोई छोड़ेगा क्या? कमजोर नर्व जहाँ होती है वही वार करता हूँ। तुम सबको किडनैप करके बड़ा शेर बन रहा है। औरतों को या बच्चों को किडनैप करके आंख मिचौली का खेल खेले तो उसे गेम नहीं कहते। लाइव टेलीकास्ट करके तेरे भाई के साथ ओपनली गेम खेल रहा हूँ इसीलिए अपन को बोलते हैं शेर। गेम स्टार्ट कर रहा हूँ तू बैठ के एंजॉय कर। गेम खेलेगा? कौन सा गेम? चोट लगी। ए ब्रूस ली रूल समझा कर गेम स्टार्ट कर। एंजॉय। हाय बडेज, इस बॉल को राम भीम सोम कहकर ऊपर उछालूंगा। ये बॉल जैसे ही किसी के हाथ में लगी वहीं से गेम स्टार्ट। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त होगा। इधर उधर देखे बिना ये बॉल अपने साथी पे दे मारोगे। आखिर में मार खाकर भी जो स्ट्रॉन्गली खड़ा रहेगा उसे रिहा किया जाएगा। बाकी के 4 लोगों को डेमो के जैसा उड़ाकर जला दिया जाएगा। You got it? I don't understand. What are you saying? Don't worry. बस 1-2 मार खाने तक ही, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। What? Okay. तेरा भाई वेट कर रहा है। Let's start the game. राम भीम सोम। ए, सीजन बॉल देकर हमें मारने के लिए कह रहा है? प्लास्टिक बॉल से बचपन में खेलते थे, अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो उड़ा दिए जाओगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे ये तो सीजन बॉल है। No way. Hey man, what's happening? Why are you people going back? I don't understand. Hey, what's happening here? वाह, सुपर शॉट। माय स्टमक। गोरिया पूरा ब्लास्ट हो गया। I'm not spare anyone. Yeah! Yeah! You hit me here, hit here, here. Now I understand the game. I'll hit you all. लगता है गोरिया के सर में खून सवार हो गया। हाँ सही कहा। Hey! 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 You! Hey, give me the ball! What is hey. Ball? Hey, when I get the ball, I fall! Boss, ये जगह मुझे पता है कहाँ है? कमीने, तू अभी तक मजे ले रहा था? जल्दी भेज, भेज हमारे लड़कों को! सुन, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे डैनी को कुछ नहीं होना चाहिए! इस शेर की औलाद को वहीं मार डालो! चलो जाओ, देख क्या रहे हो! Hey, move, move! Hey, hey, please! Hey, ball, please. Hey, सुनो, ये हमें आपस में लड़ा कर मारना चाहता है। एक दूसरे को आहिस्ते से मारो, ओके? भाई, some ground table meeting is going on. Hey, what are you discussing? चुप कर टकले। Bruce Lee? Okay, भाई। Stop the game. तुम सब बहुत strong हो ये हम जान गए हैं। So game में थोड़ा change है। Wild card लेकर भाई entry कर रहे हैं।
नैन कुली की मैन कुली की नैन कुली की तेरी बॉस, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। ए, ए, करेक्ट लोकेशन पर पहुँचा ना तू? हाँ बॉस, सही जगह पे हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ए, ए, उधर ही है, ठीक से देख। नहीं बॉस, मेरे लड़के लोगों ने सब जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है बॉस। लगता है यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाया बॉस। तुम्हारा भाई वेट कर रहा है, लेट्स स्टार्ट द गेम। राम भीम सोम ही समझते थे वो देशभक्त निकला, उसने पूरे ड्रग माफिया गैंग को खत्म किया। उसकी इस बहादुरी को देखकर पूरा देश उससे मिलने के लिए बेंगलुरु जेल की तरफ उमड़ पड़ा है। उसकी माँ यहाँ पे आई है, आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। माँ जी एक सवाल, we'll be right back.
रियल हीरो। लोगों के दिल में जो देशभक्ति है उसे उसने अकेले ही जगाया और सबका दिल जीत लिया। कर्नाटक के कोने कोने से उसकी आजादी की आवाज उठ रही है। इनकलाब जिंदाबाद। ये सब क्या है? सीएम मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। किसी भी चैनल को ऑन करके देखो, उसी का न्यूज है। ये सारे यूथ मिलकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? बताता हूँ सर, आरोपी युवा ने सोशल नेटवर्क पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है। उसे देखकर पूरे यंगस्टर्स जज्बाती हो गए सर। स्टेट के कोने कोने से सैकड़ों लड़के यहाँ आ रहे हैं। सही कहूँ तो वो यूथ आइकॉन बन गया है सर। यूथ आइकॉन? ऐसा कौन सा वीडियो है? यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? नीचे उतर बताता हूँ। इन देशद्रोहियों को हमने पकड़ कर दिया है, इसका क्या सबूत है? उसके लिए हमें एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू है, कोई वॉइस ओवर देना है तो वो भी दे। ए, पागल, ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी जानता है, और तूने मेरा क्या हाल बना दिया? हाँ, ये तू वीडियो क्यों बना रहा है? हाँ, इसे पुलिस को देगा तो क्या कर लेंगे? ए, तूने हॉस्पिटल से तो निकाल दिया, लेकिन बेंगलुरु से गोवा सेफली पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। हम जैसों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसके हाथ के नीचे 100 ऐसे भी होते हैं जो हमें सेफ करते हैं, क्योंकि वो है करप्ट ऑफिसर। ये तो सिर्फ पुलिस लेवल है, उसके ऊपर एक और लेवल है, पॉलिटिशियंस लेवल। सर, मुझे जेल में रहने दीजिए, कहने पर भी मुझे जेल में नहीं रहने देंगे। जेल में भी मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलती है। इंडिया में ड्रग्स की कितनी डिमांड है इसका अंदाजा है तुझे? मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के प्रोविजन स्टोर्स में भी ड्रग्स बिकनी चाहिए। दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई विजन। तुझे कितना करोड़ चाहिए बोल, मिल जाएगा। नहीं, पूरी कर्नाटक दे रहा हूं, डीलरशिप तेरी है, एंजॉय कर। या फिर ये सब छोड़कर पब्लिक का हीरो बनना चाहता है क्या? इंडिया में नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लगता है तूने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी है। टॉयलेट के कमोड पर बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर कम ऑन इंडिया लिख देने से ये इंडिया बदल जाएगा, ये सोचने वाले सब बेवकूफ हैं। हाँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट आए या फिर चाइना का, हर कोई ताजमहल के आगे फोटो खिंचाकर यहाँ से चलते बनेंगे। नो वन कैन चेंज इंडिया। तूने बिल्कुल करेक्ट बोला। कोई भी आने दो जाने दो, उससे हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, ऐसा हमने पहले से ही सोच लिया है। हमारे यहाँ के रोड सही नहीं है, इसलिए हम इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं। डेली करंट कट हो जाता है, इसलिए UPS लगाते हैं। खुले रोड पर औरों की बेटियों के साथ रेप होता है, इसलिए हम अपने बच्चों को कराटे सिखाते हैं ताकि अपनी बच्चियाँ सेफ रहे। हर बात के लिए हमने पहले से ही अल्टरनेटिव ढूंढ कर रखा है। रोड क्यों सही नहीं है, करंट क्यों कट होता है, रेप करने वालों को सजा मिली या नहीं, ये हम में से कोई भी नहीं सोचता। उस काम के लिए टीवी चैनल्स वाले हैं ना, यही सोचकर हम चुप रहते हैं। उसके बाद टीवी चलाने वाला डिसीजन देखकर बहुत बड़े क्रांतिकारी की तरह फेसबुक में स्टेटस डालकर कमेंट लाइक करते हुए साइलेंट हो जाता है। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हमें हर काम के लिए एक लीडर चाहिए, कोई एक उठकर आगे जाए, यही सोचकर वेट करते रहते हैं। हम जैसे यूथ को मोटिवेट करने के लिए 70 साल के अन्ना हजारे को आना पड़ता है, तब हम जागते हैं, वो भी टेम्पररी। टीवी में T20 या IPL आ जाए तो फिर ठंडे हो जाते हैं। चाहे कोई जागे या फिर सोता रहे, लेकिन मैं तो जाग गया।
परमानेंटली जाग गया। अरे मेरी माँ मुझे दिन रात देशभक्ति समझाती रही, पर मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता था और तूने कितना सिंपली मुझे समझा दिया। मैं यहाँ आया हूँ मेरी माँ की खातिर, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ की नजर में हीरो बनना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी माँ की नजर में चाहे विलन ही रहूं, लेकिन अपनी धरती माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ए पागल, तू क्या करने की सोच रहा है? मैं हमेशा कहता रहा, मारना है तो डायनासोर को मारो, और तुम लोग सच में डायनासोर हो। तू क्या करने जा रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? कोई मत मार। नहीं, मुझे मत मारना। इसके बाद इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी, प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना। मारना है तो डायनासोर को मारो, और तुम लोग सच में डायनासोर हो। क्या करने जा रहा है? इसके साथ यही होना चाहिए। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बहुत बढ़िया। इसके बाद इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी, प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। क्या दिलेर है ये बंदा, सुपर्ब। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। क्या बात है दुर्गा माँ, मेरे लिए खाना लेकर आई हो क्या? अरे इसकी क्या जरूरत थी, जेल में भी अच्छा खाना बनता है। स्कूल के बच्चों को खाने के लिए मिलने वाले फंड से ज्यादा जेल के कैदियों के लिए फंड आता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ सुपर। सच में जेल में इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी लोग जेल में आने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तुम घर जाने के बाद इस बात पर PIL फाइल करना। ठीक है, कर दूंगी। पहले तू खाना तो खा ले। तेरा मन पसंद गाजर का हलवा बनाया है, अपने हाथों से खिलाओ। जब मैं बाहर था तब ना जाने कितने लोगों को हलवा खिला चुका हूँ, लेकिन आज अंदर बैठकर मैं खुद हलवा खा रहा हूँ। ठीक है, खिलाओ। आहा, सुपर्ब। थोड़ा और खिलाओ ना माँ। अब मैं चलती हूँ।